सारे वंश का उद्धार कर देता है, जिसके जलाशय में गर्मी के मौसम में भी अनिवार्य रूप से पानी टिका रहता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम संकट को नहीं प्राप्त होता। जिसके पोखरे में केवल वर्षा ऋतु में जल ठहरता है, उसे प्रतिदिन अग्निहोत्र करने का फल मिलता है, ऐसा श्री ब्रह्मा जी का कथन है। जिनके तड़ांग में शरद काल तक जल ठहरता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। जिनके तालाब में हेमंत और शिशिर ऋतु तक पानी मौजूद रहता है, वहां बहुत सी सुवर्ण मुद्राओं की दक्षिणा से युक्त यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जिनके सरोवर में वसंत और ग्रीष्म काल तक पानी बना रहता है, उसे अत्रि रात्रि और अश्वमेघों का फल मिलता है, ऐसा मनीषी महात्माओं का कथन है। मुनीश्वर व्यास जी, जीवों को तृप्ति प्रदान करने वाले जलाशय के उत्तम फल का वर्णन किया गया है। अब वृक्ष लगाने में जो गुण है उसका वर्णन सुनो। जो वीरान एवं दुर्गम स्थानों में वृक्ष लगाता है, वह अपनी बीती तथा आने वाली संपूर्ण पीढ़ियों को तार देता है, इसलिए वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। ये वृक्ष लगाने वाले के पुत्र होते हैं, इसमें संशय नहीं है। वृक्ष लगाने वाला पुरुष परलोक में जाने पर अक्षय लोगों को पाता है। पोखरा खुदवाने वाला, वृक्ष लगाने वाला और यज्ञ करने वाला जो द्विज है, वह तथा दूसरे सत्यवादी पुरुष, ये स्वर्ग से कभी नीचे नहीं गिरते। सत्य ही परम ब्रह्मा है, सत्य ही परम तप है और सत्य ही श्रेष्ठ यज्ञ और सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। सोए हुए पुरुषों को सत्य ही जगाता है, सत्य ही परम पद है, सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है और सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तप, यज्ञ, पुण्य, देवता, ऋषि और पितरों का पूजन, जल और विद्या, ये सब सत्य पर ही अवलंबित है। सबका आधार सत्य ही है। सत्य ही यज्ञ, तप, दान, मंत्र, सरस्वती देवी तथा ब्रह्मचर्या है। ओमकार भी सत्य रूप ही है। सत्य से ही वायु चलती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही आग जलती है और सत्य से ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोक में संपूर्ण वेदों का पालन तथा संपूर्ण तीर्थों का स्नान करने से सत्य सुलभ हो जाता है। सत्य से सब कुछ प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। एक सहस्त्र अश्वमेघ और लाखों यज्ञ एक ओर तराजू पर रखे जाएं और दूसरी ओर सत्य हो तो सत्य का ही पलड़ा भारी होता है। देवता, पितर, मनुष्य, नाग, राक्षस तथा चराचर प्राणियों सहित समस्त लोग सत्य से ही प्रसन्न होते हैं। सत्य को परम धर्म कहा गया है, सत्य को ही परम पद बताया गया है और सत्य को ही पार ब्रह्मा परमात्मा कहते हैं, इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य पारायण मुनि अत्यंत दुष्कर तप करके स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं तथा सत्य धर्म में अनुरक्त रहने वाले सिद्ध पुरुष भी सत्य से ही स्वर्ग के निवासी हुए हैं। अतः है, सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्य रूपी तीर्थ अगाध, विशाल, सिद्ध एवं पवित्र जलाशय है। इसमें योगयुक्त होकर मन के द्वारा स्नान करना चाहिए। सत्य को परम पद कहा गया है। जो मनुष्य अपने लिए, दूसरों के लिए अथवा अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोलते, वे ही स्वर्ग के गामी होते हैं। वेद, यज्ञ तथा मंत्र ये ब्राह्मणों में सदा निवास करते हैं, परंतु असत्यवादी ब्राह्मणों में इनकी प्रतीति नहीं होती। अतः है, सदा सत्य बोलना चाहिए। तदनंतर तप की बड़ी भारी महिमा बताते हुए श्री सनत कुमार जी ने कहा है, मुने, संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तपस्या के बिना सुलभ होता है। तप से ही सारा सुख मिलता है। इस बात को वेद वेता पुरुष जानते हैं। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, सुंदर रूप, सौभाग्य तथा शाश्वत सुख तप से ही प्राप्त होते हैं। तपस्या से ही श्री ब्रह्मा बिना परिश्रम के ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। तपस्या से ही श्री विष्णु इसका पालन करते हैं। तपस्या के ही बल से रुद्रदेव संहार करते हैं तथा तप के प्रभाव से ही शेष अशेष भूमंडल को धारण करते हैं। अध्याय 12। वेद और पुराणों के स्व अध्याय तथा विविध प्रकार के दान की महिमा, नरकों का वर्णन तथा उसमें गिरने वाले पापों का दिग्दर्शन, पापों के लिए सर्वोत्तम प्राशित शिव स्मरण
तथा ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, जो वन में जंगली फल कंदमूल खाकर तप करते हैं और जो वेद की एक ऋचा का स्वय अध्याय करता है, इन दोनों का समान फल होता है। श्रेष्ठ द्विज वेद या अध्ययन से जिस पुण्य को पाता है, उसे दूना फल उस वेद को पढ़ने से पाता है। मुने, जैसे चंद्रमा और सूर्य के बिना जगत में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराण के बिना ज्ञान का अवलोक नहीं रह जाता, अज्ञान का अंधकार छाया रहता है। इसीलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। अज्ञान के कारण नरक में पड़कर सदा संतप्त होने वाले लोक को जो शास्त्र का ज्ञान देकर समझता है, वह पुराण वक्ता अपनी इसी महत्ता के कारण सदा पूजनीय है। जो साधु पुरुष पुराण वक्ता विद्वान को दान का पात्र समझकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे उत्तमोत्तम वस्तुएं देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो सुपात्र ब्राह्मण को भूमि, गौ, रथ, हाथी और सुंदर घोड़े देता है, उसके पुण्य का फल का भी वर्णन सुनो। इस समय जन्म में और परलोक में भी संपूर्ण अक्षय मनोरथों को पा लेता है तथा अश्वमेध यज्ञ के फल का भी भागी होता है। मुनीश्वर, जो पुरुष भगवान शिव की कथा सुनता है, वह कर्मों के विशाल वन को जलाकर संसार से तर जाता है। जो दो घड़ी, एक घड़ी अथवा एक क्षण भी भक्ति भाव से भगवान शिव की कथा सुनते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। मुने, संपूर्ण दानों अथवा संपूर्ण यज्ञों में जो पुण्य होता है, वही फल शिव पुराण सुनने से भी अविचल रूप से प्राप्त हो जाता है। हे व्यास जी, विशेषतः कलयुग में पुराण श्रवण के सिवा मनुष्य के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है, वही उनके लिए मोक्ष एवं ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है। शिव पुराण का सुनना और भगवान शिव के नाम का कीर्तन मनुष्य के लिए कल्प वृक्ष का रमणीय फल है, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ, दान, तप और तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है, उसी को मनुष्य पुराणों के सुनने से पा लेता है। प्रतिदिन सुपात्र लोगों को बड़े बड़े दान देने चाहिए, वे दान दाता के उद्धारक होते हैं। विप्रवर, सुवर्ण दान, गोदान और भूमि दान, ये पवित्र दान है जो दाता को भव से तारते हैं, लेने वालों का भी उद्धार कर देते हैं। सुवर्ण दान, गोदान और पृथ्वी दान, इन श्रेष्ठ दानों को करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तुला दान की बड़ी प्रशंसा की गई है। गौ और पृथ्वी के दान की भी प्रशस्त एवं समान शक्ति वाले हैं, परंतु सरस्वती का दान इन सबसे अधिक उत्तम है। नित्य दूही जाने वाली गाय, छाता, वस्त्र, जूता तथा अन्न और जल, ये सब वस्तुएं याचकों को देनी चाहिए। ब्राह्मणों को तथा अपीड़ित याचकों को जो संकल्प पूर्वक धनादि वस्तुओं का दान दिया जाता है, उसे दाता मनस्वी होता है। लोक में जो जो अत्यंत अभिष्ट और प्रिय हैं, वह यदि घर में हो तो उसे अक्षा बनाने की इच्छा वाले पुरुष को, गुणवान पुरुष को दान करना चाहिए। तुला पुरुष का दान सब दानों में उत्तम है। जो अपने लिए कल्याण चाहे, उसे तराजू पर बैठना चाहिए, अपने शरीर से तोली गई वस्तु का दान करना चाहिए। रात में, दिन में, दोनों संध्याओं के समय, दोपहर में, आधी रात के समय तथा भूत और वर्तमान भविष्य तीनों कालों में मनवाणी और शरीर द्वारा किए गए पापों को तुला पुरुष का दान दूर कर देता है। इसके बाद ब्राह्मण का दान, महात्म एवं ब्रह्मांड का वर्णन करके श्री सनत कुमार जी ने कहा, मुनीश्वरों में श्रेष्ठ व्यास जी, पाताल लोक के ऊपर जो नरक है, उसका वर्णन मुझसे सुनो। पापी पुरुष उन्हीं में यातनाएं भोगते हैं। रोक, शुकर, रोध, ताल, विवसन या विसनन, महाज्वाल, तत्कुंभ, लवण विलोहित, पीब बहने वाली वैतरणी, कृमि या कृमीश, कृमि भोजन, कृष्ण, अशीष पत्रवन, दारुण, लालाभक्ष, पूयवाहा, पाप, वाहिन ज्वाल, अधशिरा, संदश, कालसूत्र, तमस अविची, रोधन, स्वभोजन, अप्रतिष्ठित, महारोख और शाल्पमली इत्यादि से बहुत से दुख नरक में हैं, जो इंसान को भोगने पड़ते हैं। हे व्यास जी, उनमें जो पाप कर्म पारायण पुरुष पकाए जाते हैं, उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो।
जो मनुष्य ब्राह्मणों देवताओं तथा गौओं के लिए हितकर कार्यों के सिवा अन्य